ऐसे में विजय शर्मा, अब यहाँ पर जो महिलाओं को शक्ति का नाम देकर उनके खाते में 2,000 रुपए, बुजुर्गों के लिए पेंशन 6,000 रुपए, इसकी काट कैसे निकालेंगे? और किसान तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ही है, यहाँ आप अपनी उपलब्धियां ज्यादा गिनाते नजर आएंगे कि सभी 24 फसलों पर एमएसपी पर हम दे रहे हैं, या फिर एमएसपी पर गारंटी जो लगातार किसान की डिमांड है और ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस के शामिल है, कैसे काट निकालेंगे इसकी? देखिए पूजा जी, काट निकालने की जरूरत नहीं है, सही नीयत से राजनीति करने की जरूरत है, लोगों की सेवा करने की जरूरत है। अब जैसे ही विद्रोही जी ने कटाक्ष किया राजीव रंजन जी पे, अब मैं ये कहता हूं वेद प्रकाश जी को मेरे ख्याल से उतने गांवों के नाम याद नहीं होंगे जितने गांवों में अपना राजीव रंजन जी पहुंच चुके हैं। और पूजा जी, आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो इतने सारे शो किए हैं हरियाणा पे, तो इन्होंने अपनी बात कोई नहीं रखी, कहां से करेंगे कैसे करेंगे? तो वेद प्रकाश जी, मैं थोड़ा सा आईना आपको दिखा देता हूं, आप मुझे बताइए। आप रुकिए रुकिए वेद प्रकाश जी, अभी अभी आप अभी आपको ऑडियो म्यूट है, रुकिए, आप जरा बात करने दीजिए ना विजय जी से भी। हाँ, 2014 तक 10 साल इन्होंने राज किया, उससे पहले ज्यादातर तो देखिए लगातार आपको हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की वो तमाम बातें भी दिखा रहे हैं, किस तरह से क्या क्या घोषणाएं कांग्रेस के जो 7 वादे हैं, 7 पॉइंट्स हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इनमें है बुजुर्ग दिव्यांगों को 6,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, ये अहम बात है। दूसरा, आरक्षण को लेकर जातिगत सर्वे वो कराएंगे, ये भी एक अहम वादा किया गया है। विजय शर्मा, देखिए पूजा जी, आपके सामने है कर्नाटक, आपके सामने तेलंगाना, आपके सामने है हिमाचल, आपके सामने, कहां इन्होंने किस तरह की जाति जनगणना कराई? तो लोगों को झूठ बहकाना ये बंद कर दें। और इनका इनका चाल चरित्र पकड़ा गया, इनके अभी मौजूदा विधायक कहते हैं कि मुझे 50 वोटों में एक नौकरी दूंगा सरकारी, आपने भी देखा होगा सारे मीडिया उसमें वीडियो वायरल हो रहा है। इनके शेर सिंह गोगी जी कहते हैं सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार वालों को नौकरी दूंगा, घर भरूंगा। तो आप मुझे बताइए क्या इनका, यही तो हम कहते थे कि हम खर्ची पर्ची खत्म कर देंगे, और हम क्या करके दिखाती 10 साल में, इन्होंने 10 साल में कितनी नौकरियां भी तो नहीं मिली ना, नौकरियां भी तो नहीं मिली ना। पूजा जी सुन लीजिए, साल की भी बेरोजगारी दर से मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ, इन्होंने 86,000 दी, हमने 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी, ये हाईकोर्ट चले गए 25,000 नौकरी अभी हम देने वाले थे, हमने 4 गुना प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराए, ये आंकड़े बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अब कर लेते हैं बात महिलाओं की, ये महिलाओं की बात करते हैं, हमने 11 लाख LPG के कनेक्शन दिए हैं, हमने 7.5 लाख शौचालय दिए हैं। आपको पता होगी कि किस तरह से हमारी महिलाएं, आप रोहतक में कभी गए हो तो देखा हो, 5-5 किलोमीटर दूर ऊपर सर पे रख के पानी लेने जाती थी। तो अब आप सिलेंडर के, अब आप सिलेंडर को अब क्या करेंगे, अब आप 500 से और कम कर देंगे, क्योंकि 500 रुपए में तो गैस सिलेंडर का वादा जो है वो कांग्रेस भी कर रही है। बात तो यही है ना कि आप ही के पिच में खड़े होकर आप ही को मात देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तमाम वो वादे दिख रहे हैं जो आप लगातार करते आए हैं। पूजा जी सुनिए, पिच की वाली बात देख लीजिए, आज तनख्वाह नहीं मिल रही है हिमाचल में, हमारा पड़ोसी राज्य है वो, आज पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात है, क्या हालात, और आज हरियाणा, लेकिन OPS एक बड़ा मुद्दा है ना हरियाणा में, ये तो मानते हैं ना, कार्ड तो आप भी नहीं निकाल पा रहे, NPS को UPS आपने कर दिया। पूजा जी 50% देश की हरियाणा में बन रही है, निर्माण हो रहा है, हरियाणा में है, तो आप कैसी बात करो, हमारा 3 लाख के आसपास जोर प्रति व्यक्ति है, राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, तो कैसे काम होगा? ये कहते हैं हम 14 फसलों पे, ठीक है ठीक है विजय जी, अब शांत हो जाइए ना, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब आपको मैंने पूरा वक्त दे दिया वेद प्रकाश जी, 5 सेकंड दीजिए, रुके रुके, 4 फसलों पे, ये 4 फसलों पे MSP देते थे, हम 14 फसलों पे देते थे, हमने सारी फसलों पे कर दिया, अब ये उसमें कमी निकालते हैं कि जी यहाँ नारियल की, अरे भाई तुम ही तो कहते थे सारी फसलों पे दो, तो चाहे हो या ना हो हमने सारी फसलों पे दे दिया, उगाइए आप नारियल, कल को भी द्रोही जी कह देते चार नारियल के, फिर भी किसान क्यों संतुष्ट नहीं हो रहा है भाई, फिर भी किसान संतुष्ट नहीं हो रहा है, आज भी जो वादा आपने किया था ना कि भाई किसानों की आय दोगुनी होगी, आज भी नहीं हुई है, वो सड़क पर है, MSP पर गारंटी की लगातार डिमांड कर रहा है, चलिए ठीक है ना, अब रुकिए जी, बासमती का निर्यात पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा कर रहा है, मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने खूब बरगलाने की कोशिश की, ठीक है, किसान फल रहा है, फूल रहा है, अब जवाब ले लेती हूँ ना, अब जवाब ले लेती हूँ, वेद प्रकाश जी बोलिए। देखिए पूजा जी,
ये हिमाचल के संदर्भ में झूठ बोल रहे हैं। पी चिदंबरम ने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी सारी पोल खोल दी और हिमाचल के संदर्भ में बता दिया कर्मचारियों को तनख्वाह मिल चुकी है, ओपीएस लागू है, इन्होंने कर्ज चढ़ा रखा है, 67,000 कर्ज चढ़ा रखा था और जाते जाते ये बहुत सी घोषणाएं करते थे। और आपने उस कर्ज को और बढ़ा दिया, पहले वो 13% था, 17% हो गया। हम इनकी तरह झूठ नहीं बोल रहे, आंकड़े हमारे पास भी हैं। हाँ तो हमने 21,000 लिया है, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम इनकार कहां, हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते। 21,000 करोड़ हमने लिया है, हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाते जाते इतनी योजनाएं लागू कर दी थी, इतनी घोषणाएं कर दी थी, उनकी वजह से समस्या आ रही है और ऊपर से केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा। तो भुगत कौन रहा है, भुगत कौन रहा है, आम आदमी ना, जिस ओपीएस का वादा करके सरकारी कर्मचारी उनको अभी भी अगस्त की सैलरी नहीं मिली है। सुन तो लीजिए मैडम पूजा जी, जिस देश का प्रधानमंत्री धड़ल्ले से झूठ बोलता हो, कुरुक्षेत्र में कहे गए कि हरियाणा के हर किसान को केंद्र सरकार 80,000 रुपए वार्षिक सहायता दे रही है, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है क्या, 80,000 रुपए। और दूसरी तरफ विजय जी ने मान लिया, ये क्या इन्होंने क्या कहा कि हमने उन फसलों का भी कर दिया तो हरियाणा में होती नहीं, अर्थात आप जुमलेबाजी कर रहे हो। हम भी यही हिमाचल पे बोलिए ना, हिमाचल पे बोलिए, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला वो इस बात को खड़ा कर रहे हैं, ओपीएस को लेकर आपको घेर रहे हैं, जातिगत सर्वे को लेकर आपको घेर रहे हैं। मैडम मैडम दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं, वो कल तक भाजपा की गोद में बैठे हुए थे, बोलने दो हमें, उनसे उनका क्या जवाब देना हमको। और अरे तो सच्चाई भी तो है ना मित्र प्रकाश जी, जातिगत सर्वे का आप दावा कर रहे हैं यहाँ पर, सुनिए हरियाणा में कर्नाटक में जहाँ करवा चुके हैं वहां सार्वजनिक कीजिए, हर जगह दे रहे ये झूठा प्रचार हो रहा है कि हरियाणा के अंदर। अजय गुलिया साहब, हमने सत्ता छोड़ी 80,000, अब रुकिए ना, देखिए बाकी मेहमान भी है ना, उनको भी मैं इन कर लेती हूँ। अजय गुलिया जी, 17 सुन लिए ना मैडम, 79,000 कर्ज था किसान पर, देखिए पूजा आज कितना है हरियाणा के किसान पर, 1,82,922। देखिए मैं सबको पूरा मौका दे रही हूँ, तो जब आपको मौका दिया जाए तभी आप बोलिए, है ना, और अपनी बात पूरी करने की कोशिश कीजिए उतनी ही समय में। अजय गुलिया जी कर रहा हूँ, ठीक है, किसान की बात करके खत्म कर रहा हूँ, इन्होंने जो 79,000 रुपए कर्ज हमने छोड़ा था किसान, वो 1,82,922 हो गया। इसका मतलब है किसान की आर्थिक हालत खराब हुई है, इनके आंकड़े बताते केंद्र सरकार के ही। चले